स्पोर्ट्स कुंगफू एकेडमी भिवंडी स्पार्क मार्शल आर्ट्स एंड सोशल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित 7th इंटर स्कूल कुंगफू चैंपियनशिप 2024 का आयोजन भिवंडी पेनी गांव स्थित पीएम हाई स्कूल में रखा गया था, जिसमें 2 सत्र के रूप में आयोजन किया। पहले सत्र में तेलुगु समाज शिक्षण संस्था प्रेसिडेंट भूमेश कल्याणप, चेयरमैन निष्काम भैरी, एक्स चेयरमैन पामो मनोहर जी के शुभ हाथों से उद्घाटन किया गया। इसमें बच्चों ने कराटे कुंगफू जैसे खेल में कई कलाएं प्रस्तुत किए। इसके अलावा दोपहर के सत्र में भी कई मान्यवर आए उपस्थित थे। मान्यवरों का स्वागत मंचाला शंकर और पुरुषोत्तम उपरपल्ली जी ने पुष्पगुच्छ शाल व मेमेंटो देकर सत्कार किया है। क्रीड़ा में भाग लेकर विजेता हुए खिलाड़ियों को मान्यवरों के शुभ हाथों से प्रथम द्वितीय तृतीय के रूप में गोल्ड सिल्वर ब्राउन और प्रशस्त पत्र देकर सम्मान किया। इस कार्यक्रम में बिंद कुमार यादव, जगदीश पाटिल, प्रवीण लखारे, फूल सिंह सोलंकी, संतोष लाड, कैलाश चौहान, पीएम स्कूल के प्रिंसिपल रूपा जादव, गालीपिल्ली मारुति, एक्टर लक्ष्मण मल्लैया, गौड़ा मधु जैसे कई मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मंचाला शंकर, रविशंकर भंडारी, पुरुषोत्तम उपरपल्ली, के सागर, सचिन गौड़, लक्ष्मी नरसिंह, श्रीकांत लोगों ने बड़ी मेहनत ली। आर्ट्स कुंफो अकादमी भिवंडी के हमारे मास्टर शंकर मंचाला जी की पूरी टीम और यहाँ पे उपस्थित प्यारे बच्चों, एक सुंदर सा कार्यक्रम मास्टर जी एवरी ईयर करता था। बहुत सालों के बाद मैंने इन्वॉल्व हुआ हूँ, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ और मास्टर बहुत सालों से इस कुंफो का प्रशिक्षण दे रहे हैं और मैं शंकर मास्टर और उसकी पूरी टीम को तहे दिल से तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के ओर से, मेरे परिवार के ओर से मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि बनाए और मैं हमेशा जब मैं इस स्कूल का चेयरमैन था तो मैं हमेशा बोलता था ये जो कुंफू सब्जेक्ट है, ये जो कुंफू सब्जेक्ट है, जब मास्टर जी मेरे पास आया था तभी तो मैं इनके आदमी को सैलरी दे के पीएम स्कूल में हमने खुद मेरी चेयरमैन की कार्यकाल में मैंने उनको बोला बच्चों को अब तैयारी करो, आपकी जो टीचर को जो भी सैलरी है मैं मंजूरी लूंगा। वैसे शायद आज 15 साल से मैं 10 साल चेयरमैन था, 15 साल से यहाँ पे उनकी मार्गदर्शन में प्रशिक्षण हो रहा है पीएम स्कूल। गांधी जी की सपना है कि रात को 2 बजे भी लड़की आराम से घूम सके, वैसे एक हिम्मत और एक कला देने वाले कुंफू ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो एस पर सक्सेस, एस पर शंकर मंचाला मास्टर, उसने कामयाबी की तौर पे आज उनके हेल्थ बिगड़ने के बावजूद भी आज हमारा यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से उसको यही शुभकामना देता हूँ कि आप हेल्थी रहे, मिलती रहे। और मुझे जैसे अभी आज यहाँ रखा है 7th इंटर स्कूल कुंगफू चैंपियन 2024, तो जो 2024 में चैंपियन होने वाला है उनको मैं तहे दिल से शुभकामना देना चाहता हूँ। नमस्कार बच्चों, बच्चों ने कभी ब्रूसली पिक्चर देखा? स्कूल और हाई स्कूल में था, मैं भी ब्रूसली पिक्चर वीसीआर से देखता था और ब्रूसली पिक्चर देख के मैं वो कुंफू कराटे सीखने का प्रयास करता था घर में, क्योंकि उस वक्त शंकर मास्टर और रविशंकर मास्टर नहीं थे यहाँ पे। जो इतना संख्या में टीचर्स और मास्टर्स सिखाने के लिए उपलब्ध है वो वक्त उपलब्ध नहीं थे, हमको सिखाने के लिए टीचर्स नहीं थे कुंफू और कराटे। आप लोग बहुत नसीबवान है, आप लोग बहुत लकी है कि आपको ऐसे मास्टर्स मिले और ऐसे क्लासेस मिले जिसमें से आपको ये आर्ट्स, ये कला ये सीखने मिल रहे हैं। कुंफू के बारे में वो टाइम पे जो मुझे एक आदर था वो आदर मैं वैसे कंटिन्यू रखा। सर ने अभी हमारे ट्रस्टी डॉक्टर मनोहर मामू ने बताया कि वरंगल से मास्टर आए थे, उनको भी मैं मिला था। उनको मिलके उस वक्त
हमारा एक पुराना बिल्डिंग है, अभी बिल्डिंग टूट गई, रामस्वामी बिल्डिंग बोल दो, बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर मास्टर को हम बुला के आपके जैसे और एरिया में 15-20 बच्चों को इकट्ठा करके हम लोग कराटे कुंग-फू का क्लासेस चालू किया बिगर पैसा लेके। मतलब देखो उत्साह कैसा रहता है। बच्चे आप नसीबवान है, आप लकी है कि आपको पढ़ाई के साथ ये भी स्कूल में सीखने मिल रहे हैं। और हमारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे मास्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये कला को जीवंत रखना जरूरी है। ये सब कुंग-फू सबको मालूम है। अभी अभी हमको जो मेमोंटो फोटो दिया गया था यहाँ पे बोधि धर्म का है, सभी को मालूम है बोधि धर्म कौन है? मालूम है? यस, कुंग-फू का दादा, कुंग-फू का ब्रह्मा बोलते हैं, कुंग-फू का जिन्होंने उत्पन्न किया, फाउंडर किया, फाउंडर ऑफ द कुंग-फू। बोधि धर्म कहाँ से थे? हिंदुस्तान से थे, हमारे भारत में से थे। मतलब ये सब आठ जितने हैं जो चाइना में गई, जो आज जापान में है, आज पूरे विश्व के सभी देशों में है, ये सभी आर्ट्स, ये सभी कला, कुंग-फू, कराटे, जूडो, ये सभी प्रकार के जिसको हम नियुद्ध बोलते हैं संस्कृत में, ये सभी नियुद्ध हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे कलाओं के हम पोषण करते थे। उसमें से उस वक्त के जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, वैसे उस वक्त के गुरुकुल रहते थे, उस वक्त के गुरुकुल में नियुद्ध सिखाते थे, कुंग-फू और कराटे सिखाते थे। ये सब अच्छा चलता था क्योंकि ब्रीथिंग मेडिटेशन, ब्रीथिंग और मेडिटेशन जो प्राणवायु रहती है उसके ऊपर पूरा शरीर डिपेंड रहता है, उसका ही एक बेसिक ये स्ट्रक्चर है, उसी में से कुंग-फू जन्म हुआ। अभी अभी आप मास्टर को यहाँ पे देखा होगा, मास्टर हर पोज के पीछे ब्रीथिंग कर रहे थे, ब्रीथिंग करके ये दूसरा पोज अपन नेक्स्ट पोज पे जा सकते हैं। मतलब देखो प्राणवायु, ब्रीथिंग, ऑक्सीजन जो वायु हम लेते हैं, ब्रीथ जो करते हैं, वो कितना जरूरी है, उसके बेस पे पूरा कुंग-फू डिपेंड है। इसलिए सबसे बेस्ट कला, सबसे अच्छी कला, बहुत से कला है, सबसे अच्छी कला कुंग-फू है। मैं पेरेंट्स से विनती करता हूँ कि ये कुंग-फू बच्चों को सिखाते रहिए, और भी पेरेंट्स को बताइए कुंग-फू सिखाना क्यों जरूरी है। कुंग-फू सिखाने से एक एक कला ऐसा है कुंग-फू है जिसमें कुंग-फू सीखने की वजह से बच्चों का मेडिटेशन और ब्रीथिंग नेचुरली हो जाता है और वो पढ़ाई में भी होशियार रहते हैं। पढ़ाई में एक क्रिएटिविटी है, उनका बॉडी को हमेशा उत्तेजन रखना और मन को उत्तेजन रखना और प्राणवायु को हमेशा जीवित जागरूक रखने के लिए जो प्रयास कुंग-फू में किया जाता है उसमें से वो पढ़ाई भी अच्छा करते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं। पढ़ाई के साथ ये भी कराइए, वो जरूरी है, अपने अपने पहचान वालों को बताइए, अपने अपने रिलेटिव्स को बताइए, अपने अपने फ्रेंड्स को बताइए, पेरेंट्स इस विषय में और भी जागरूक होकर सबको जागरूक करना जरूरी है। साथ में मैं हमारे शंकर मास्टर, रविशंकर मास्टर और उनके सहयोगी सचिन सर, बाद में पुरुषोत्तम सर, सागर सर, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, ऐसा कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज कीजिए। आज के हमारे कुंकन जी और डॉक्टर पामो जी, यहाँ के हमारे तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के ट्रस्टी और चेयरमैन तेलुगु समाज शिक्षण संस्था, इसका हमने आयोजित किया है। उस आयोजित में शंकर मंचाला का सपना बहुत कुछ था, उनका मैंने देखा, उनका शिष्य गांव में, यानी वो इतना फास्ट आगे बढ़ गया, वो भविष्यवाणी बता सकता है, वो ऐसा व्यक्ति है उनका आशीष। मैं मेरे पास आया था विकास में आके बताया था उनका आशीष, मतलब मेरा गुरु को मिलना है, वो नहीं इधर शंकर मंचाला, शंकर मंचाला का वो इतना पावरफुल हो गया, वो व्यक्ति को हम लोग देखा तो ऐसा पहुंच गया है कि योगा भी कर रहा है, कराटा भी कर रहा है गुरु का। आज यानी इतना आगे जाने का कारण शंकर मंचाला का तो आशीर्वाद है। ऐसे ये हमारा फैमिली में भी मेरा लड़का, मेरी लड़की दोनों आज नहीं 20 साल पहले से सीखते आया, 20 साल मेरा टेरिस के ऊपर सिखा रहा था शंकर मंचाला, आज एकदम ओल्ड भी तंदुरुस्ती है, आप लोग भी तंदुरुस्ती बन रहा है। उसमें कराटा सीखने में कराटा कहीं मारने के लिए नहीं है, हेल्थ में भी एकदम ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है, योगा करे और ये काम, ये दोनों चीज के लिए इतना पावरफुल होता है, यानी भगवान भी ताकतों आके बच्चों को आशीर्वाद मिलता है। ऐसा काम करके आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में अभी इंटरनेशनल
अवार्ड देने वाला है, इसमें अपना स्कूल का सभी भिवंडी का होना चाहिए जरूर। मैं शुभकामना एंड जो मैं अभी देखा था एक दो घंटे में, तो बच्चे लोग को जो इंटरेस्ट था खेलने का, दैट विल मीन आगे आगे हम लोग भिवंडी का नाम रोशन करेंगे। सेवंथ इंटर स्कूल कुंफू चैंपियनशिप 2024 पीएम हाई स्कूल एंड डिग्री कॉलेज पेनीगांव कामतगढ़ में आयोजन किया गया है। ये आयोजन जो है हमारे स्पोर्ट्स कुंफू अकेडमी भिवंडी के द्वारा स्पार्क मार्शल आर्ट सोशल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा इस आयोजन किया है। इस आयोजन में 3 स्कूल पार्टिसिपेट किया है, पीएमआई स्कूल, एसएसएन स्कूल और कांसर ग्लोबल स्कूल। इस तरह 3 स्कूल पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट विजेता जो है वो एसएसएन को गया है, उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट करके ज़्यादा गोल्ड मेडल विन करके उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान जो है हमारे पीएमआई स्कूल ज़्यादा गोल्ड विन करके दूसरा स्थान में पहुंच गया है। उसी तरह कांसा ग्लोबल स्कूल अम्बाड़ी से जो पार्टिसिपेट किया तीसरा स्थान उसने ये स्थान ग्रहण किया। मैं इस तीनों स्कूलों को मैं शुभकामना देता हूँ। उसी तरह आज कितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, 100 के तादाद में यहाँ पे आए हैं, और ये सारे बच्चों को मैं जितने भी विनर से सबको शुभकामना देता हूँ और उनका उज्ज्वल भविष्य के लिए कुंफू सीखे आगे बढ़ के और आगे जाने के लिए मैं इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट में रूप में इस पहले सुबह में जो इनॉग्रेशन में हमारे संस्था के अध्यक्ष उमेश कल्याणक जी और चेयरमैन सुष्काम भैरी जी, उसी तरह ट्रस्टी मनोहर पामू जी, इस तरह वो तीनों लोग आके इसको उद्घाटन किया। बीच में हमारी प्रिंसिपल रूपा मैडम जी आई है, उसी तरह गेस्ट आए हैं और हम भारतीय सैन्य यानी आर्मी रिटायर्ड आर्मी और कमांडोस यहाँ पे गेस्ट में बुलाया गया है। वो यहाँ पे आके बच्चों को मेडल्स देके उत्साह किया है और उनको आशीर्वाद दिया है और उसी तरह उनका मार्गदर्शन हमारे बच्चों को मिला है। वो लोग भी आगे चल के हमारे देश का रक्षा करने के लिए जरूर पहुंच में जाएंगे, ऐसा आशा व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में सारे पेरेंट्स भी हमको बहुत अच्छी तरह सपोर्ट देंगे, वो लोग भी यहाँ पे आके इसका कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया और इस कार्यक्रम के पीछे जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स कोचर्स हैं वो लोग भी योगदान दिया है और बहुत सारे लोग यहाँ पे रहा। उसी तरह हमारे मीडिया दोस्त श्रीनिवास सिरमले जी भी यहाँ पे आके उन्होंने उनका योगदान दिया। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं जो तुमको फेडरेशन है भिवंडी का, जो यहाँ की टीम है और मेरे टीम है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मौके पर हमको बुलाया और आप लोगों से बच्चों से मिलने का मौका मिला। देखो बच्चों, गेम ऐसा है ना कि खेल गेम जो पहला है ना, जो खेल है ना जीवन में, गेम्स का बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बचपन से आप लोगों की जो मैं स्पिरिट देखा यहाँ पे जो गेम खेलने की, तो जब हम गेम खेलते थे ऐसा गेम नहीं था, लेकिन ये जो गेम है बहुत डिफिकल्ट गेम है, स्ट्रगल वाला गेम है, फाइटिंग वाला गेम है, लेकिन आप लोगों का जो मोटिवेशन, जो मोरल अप, वो सब देखने से लगता है कि आपके जो इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे कुंफू के जो भी है, आपके उस्ताद जो बोलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया है और आपको ये उम्र में इन्होंने आपको इतना अच्छे से आपको प्रैक्टिस करा के आपको उस मुकाम तक पहुँचा है। क्योंकि ये जो गेम है, ये आज से पहले कई लोगों ने भिवंडी में भी कुछ सालों से इसका प्रचलन हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। उसके पहले हम लोगों ने भी इस गेम को टीवी में देखा है, हमारे इंडियन आर्मी में भी गेम्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप स्टेट नेशनल या खेलते हो तो आपको आर्मी के अंदर डायरेक्ट एंट्री मिलती है गेम्स के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि गेम्स का बेनिफिट्स नहीं है,
यदि आप गेम्स अच्छे से खेलोगे तो उस गेम्स के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। आपको पता होगा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाला नीरज चोपड़ा वो इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। तो यदि आप आपको बहुत मौका मिलेगा यदि आप इस गेम्स को आगे और अच्छे तरह से सीखोगे और आगे बढ़ोगे। और वैसे हमारे यहाँ पे हमारा एक चेला है सचिन गौड़ और आपका उस्ताद है, ठीक है ना। ये जो बंदा है हमारी एक वॉरियर्स अकेडमी चलती है यहाँ पे, हमारे कोसल वॉरियर्स फाउंडेशन की तरफ से वॉरियर्स अकेडमी चलती है मंगल भवन में, जिसमें हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट आर्मी और पुलिस का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ पर हमारे जैसे जो भी हमारे आर्मी के जो उस्ताद है वो छुट्टी में आते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। और वहाँ उस अकेडमी का मेन इंचार्ज वो हमारा सचिन गौड़ है, उस अकेडमी को वो बारह महीने चलाते हैं, क्योंकि हम लोग छुट्टी पे रहते हैं तो हम लोग साल में एक दो महीना आते हैं, बाकी टाइम उस अकेडमी को पूरा रन ये करते हैं। तो हमारा यही है कि और लास्ट ईयर उस अकेडमी का मैं अचीवमेंट बताता हूँ कि लास्ट ईयर 2023 में हमारे उस अकेडमी के 3 बच्चे आर्मी में ट्रेनिंग कर रहे हैं जो बिना किसी फीस, उस अकेडमी पे एक रुपये भी फीस नहीं है। यदि आपके पास कोई ऐसा लड़का है जो 18+ है और आर्मी और पुलिस ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हैं उनको भी बता देता हूँ कि हमारे सोशल वॉरियर्स फाउंडेशन और भिवंडी वॉरियर्स की तरफ से वो अकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मार्गदर्शन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस मिलेगी। आप वहाँ पे अपने बच्चे को, अपने भाई को वहाँ पे भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा हमारी तरह सक्सेस होके आपके यहाँ पे खड़ा रहे। इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर टीम ने हम लोगों को जो बुलाया और आप लोगों से मिलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। अकेडमी भिवंडी और टीम स्कूल के मैनेजमेंट टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। टीम छोटे बच्चों को एक उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो अपनी कला, अपने आर्ट को प्रदर्शित कर पाए और अगले मंच के लिए तैयारी कर पाए। जो कोच हैं यहाँ पे शंकर सर, वो खुद भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि प्लेयर्स को ट्रेनिंग में कोई कमी तो नहीं महसूस होगी। और जहाँ तक बात खिलाड़ी की हो तो उनको न सिर्फ एक खेल है बल्कि ये सेल्फ डिफेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आज के समय की ज़रूरत है, अगर छोटे बच्चे आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स देश में दिखाई देती है बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ, वो हम हमारे बच्चों के साथ नहीं होता है। तो मेरी जो शुभकामनाएँ हैं स्कूल के साथ, स्कूल के लिए कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दिया, और गार्जियंस के लिए मैंने देखा कि बहुत सारे गार्जियंस अपने बच्चों के हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप सबको फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने बच्चों को ये खेल के लिए मोटिवेट किए हैं और ये प्लेटफॉर्म दिए हैं। और हम फिर से स्पोर्ट्स अकेडमी और के एम स्कूल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।